तो इस परेशानी की वजह से गर्भवती महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और काफी ज्यादा रोती हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होने वाली उन परेशानी के बारे में जो गर्भवती महिला को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, और गर्भवती महिला इस वजह से कई बार रोने भी लग जाती हैं क्योंकि परेशानी ही कुछ ऐसी होती हैं। तो वो कौन कौन सी परेशानी है जो कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होती है, चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहली तिमाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में परेशानी कम हो जाती हैं और आराम से प्रेगनेंसी चलती है, लेकिन फिर से प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फिर से परेशान रहने लग जाती हैं। तो प्रेगनेंसी के आखिरी के महीने में गर्भवती महिला को जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो होता है बच्चे का वजन की वजह से, क्योंकि इस समय तक वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका बच्चा एक तरबूज के बराबर हो जाता है, तो उसका वजन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। और बच्चा हेड डाउन पोजिशन में भी आ जाता है, अपना सिर नीचे कर लेता है, तो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता है और काफ़ी दबाव बनता है, जिस वजह से कि गर्भवती महिलाओं को नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो उठने बैठने में, चलने फिरने में कई बार परेशानी महसूस करती है। बहुत सारी महिलाओं को कुल्हे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि आपका जो लिंगामेंट होता है उसमें खिंचाव होने लग जाता है, नीचे की मांसपेशियों में खिंचावट होती है, वो डिलीवरी तक आपके बच्चे को रोक के रखती है, नीचे की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं ताकि आपका बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, हर वक्त वो दर्द में रहती हैं। इस टाइम पूरे पेल्विक एरिया में दर्द होता है और उठना बैठना, चलना फिरना, करवट लेना सब मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है, हर वक्त दर्द रहेगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो रोने का मन तो करेगा ही। तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि आपको पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी परेशानी होती है वो है बार बार पेशाब जाने की यानी कि यूरिन जाने की समस्या होना। वैसे तो 7वें-8वें महीने में भी बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है, लेकिन 9वें महीने में काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है। महिलाओं को हर 10 मिनट में 15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता है क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है, वो अपने सिर से मूत्रासे पे दबाव बनाता है, जिस वजह से कि महिला को हर 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, यहाँ तक कि 10-10 मिनट पे भी यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। तो सोचो, एक तो इतना बड़ा पेट, भारी पेट, उठने बैठने में दिक्कत, और ऊपर से बार बार यूरिन करना जाना पड़े, और रात में नींद भी ख़राब होती है इस वजह से। तो रोने का मन तो करेगा ही, नींद पूरी नहीं हो रही, अलग से परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो एक ही परेशानी बहुत ज़्यादा होती है जो कि महिला को झेलना ही पड़ता है। इसके अलावा जो तीसरी परेशानी महिला को झेलनी पड़ती है वो है फॉल्स लेवर पेन का यानी कि ब्रैक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, इसे हम झूठे संकुचन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बार बार आपको लीवर पेन की तरह ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, फॉल्स लीवर पेन आता है, और आपका बॉडी अपने आप को लीवर पेन के लिए तैयार करता है। तो ये आपको कभी भी होने लग जाता है, एकदम से ही होता है और ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये समस्या भी बार बार होने लग जाती है, पहले भी रहती है लेकिन 9वें महीने में ये समस्या काफ़ी बढ़ जाती है और आपको बार बार जो है कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, फॉल्स लेवर पेन आते हैं। तो इससे भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि फॉल्स लेवर पेन में एकदम से ही कमर में भयंकर दर्द होता है, पेट की तरफ आता है, पेट कड़क हो जाता है, और जैसे कि पीरियड में दर्द होता है ना, ऐसा दर्द होने लग जाता है। तो इस वजह से महिलाएं काफ़ी बार परेशान हो जाती हैं, और बहुत बार परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये कभी भी हो जाता है, लेटे लेटे हो जाता है, तो सोच रहे एकदम से दर्द होगा, कैसा लगेगा, है ना। तो एक ये परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से नींद नहीं आ पाती है। कई बार ठीक से नींद भी आती है ना, बहुत नींद आती है, लेकिन आप सो नहीं पाते हैं क्योंकि एक तो आपका पेट इतना बड़ा हो जाता है ना, तो सोने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। कई बार तकिया लगा लेते हैं तब भी अजीब सा महसूस होता है क्योंकि कई बार सांस नहीं आती है, और इस समय पेट के बल सो नहीं सकते, पीठ के बल सोने के लिए डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि इससे नसों पे दबाव पड़ता है और आपको मतली आ सकती है, कमर में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है, इसलिए करवट से सोने के लिए कहा जाता है, और ख़ासतौर से लेफ्ट साइड। बहुत सारे लोगों को मज़ा नहीं आता कि वो लेफ्ट साइड ज़्यादा सोएं, तो इससे भी आपको परेशानी होती है, बार बार यूरिन जाने की समस्या होने लग जाती है, और दर्द तो रहता ही है, ठीक है, कमर में, पीठ में, पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो इस वजह से महिलाओं की नींद काफ़ी ख़राब होती है और वो ठीक से सो नहीं पाती हैं, तो ठीक से नींद ना आने की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ जाती है। इसके अलावा एक समस्या होती है इस समय हाथों और पैरों में सूजन होने की। देखिए, नॉर्मली बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनको कि प्रेगनेंसी में सूजन की समस्या नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी में सूजन की समस्या होती है, और ख़ासतौर से प्रेगनेंसी के 7वें-8वें-9वें महीने में यह समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। और 9वें महीने में तो यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आपके पैर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है, सूजन के साथ साथ दर्द होना बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है, और आपका मन करता है कोई मेरे पैर को दबाए, मसाज करे, लेकिन कौन
इतना आपका मसाज या फिर आपकी मालिश करता डोलेगा पूरे दिन, कोई नहीं करता है ना, तो एक ये परेशानी होती है। और चप्पल नहीं आते हैं आपको, जूते नहीं आते हैं, चलते समय पैरों में दर्द होता है, तो एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है आपको कि आपके हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा इस समय आपके बच्चे का वजन लगभग 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक हो जाता है, कुछ बच्चे तो उससे ज़्यादा वजन के भी होते हैं, और एमिटी फ्लूड रहता है। इसके अलावा प्लेसेंटा रहता है, और आपके खुद का वजन भी बढ़ जाता है, यानी कि कुल मिला के लगभग 15 से 16 किलो तक आपका वजन बढ़ जाता है। तो आपको सोचो इतना एक्स्ट्रा वजन आपके बॉडी में हो जाता है, तो आपको चलने फिरने में, करवट लेने में, हर एक चीज़ में दिक्कत होने लग जाती है, पेट पे काफ़ी दबाव होता है, यानी कि पूरे दिन आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लगता है कि कब मैं इस चीज़ से छुटकारा पाऊंगी और अपने शरीर को आराम में पाऊंगी, क्योंकि हर वक्त ही बेचैनी सी रहती है, परेशानी रहती है, तो काम करने में दिक्कत होती है। अगर घर का काम आप करें, झाड़ू पोछा, उसमें दिक्कत, खाना बनाते हैं उसमें दिक्कत, थोड़ी देर खड़े रहो तो परेशानी होने लग जाती है, हाथों में पैरों में दर्द होने लग जाता है, चक्कर से आने लग जाते हैं क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इस समय ये सारी परेशानी होने लग जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या होता है कि आपका वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा नीचे आ जाता है, आपका जो बॉडी है डिलीवरी के लिए तैयार होता है, और बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, और इस समय आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, जो कि आपके गर्भाशय पे डॉट की तरह लगा हुआ होता है, बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, आपके सर्वेक्स का मुंह खुलने लग जाता है, तो ये डॉट भी खुल जाता है म्यूकस प्लग का, और ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर आने भी लग जाती है। हो सकता है कि एकदम से सारा बाहर आ जाए या फिर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आए, तो इस समय एक परेशानी ये भी हो जाती है, हमेशा आपको पैंटी में गीला गीलापन सा रहता है और अजीब अजीब सा महसूस होता रहता है। बाकी तो लेबर पेन आता है, तो वो तो आपको पता ही है कितना दर्द होता है, उसमें पानी की थैली फट जाती है, हॉस्पिटल जाओ, डिलीवरी कराओ, दर्द सहो, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। तो 9 महीना बहुत ज़्यादा खास भी होता है, क्योंकि इस समय आपको आपका बच्चा भी मिल जाता है, जिसके लिए हम 9 महीने से वेट करते हैं, और उसके बाद तो सारे दुख तकलीफ सब आप भूल जाते हो। जब आपका बच्चा आप देख लेते हो ना, तो फिर आपको कुछ नहीं लगता, बस लगता है जो है सही है, अब वो बस मज़ा आ गया, ठीक है। तो बस यही है भाई, वो फीलिंग अलग होती है, बताया नहीं जा सकता। तो बस आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगने वाला है, या फिर आप प्रेग्नेंट है, तो बस इस पल को एंजॉय कीजिए, परेशानी तो होगी ही। बाकी देखिए, अगर आप अच्छे से खाती हैं, पीती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तनाव नहीं लेते हैं, तो इन चीज़ों को आराम से झेल पाती हैं। तो बस यही है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।